तो क्या आप भी इस तरह की रील बनाना चाहते हो? अगर हाँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह की रील कैसे एडिट करते हैं। एंड हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता होगा ये रील बहुत वायरल हो रही है इस तरह की। एंड अगर आप भी आप अपने रील बना ले तो इस तरह के, तो आपका रील वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक है कैपकट, और कैपकट में एनिमेशन वगैरह चलाने के लिए एक VPN। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड म्यूज़िक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और जो एलिमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉपी शेयर का, उसका भी मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना, ठीक है भाई। वीडियो बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अभी टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको अपना इमेज इम्पोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैं अपना इधर ये इमेज ले रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी बदलना होगा। यहाँ पर मैं जो फॉर्मेट ले रहा हूँ ये वाला फॉर्मेट है। एंड इसके बाद आपको इमेज को अच्छे से फिट कर लेना अपनी स्क्रीन के हिसाब से, और आपको अपना म्यूज़िक ऐड कर लेना है। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। एंड आपको इमेज भी उसके हिसाब से बड़ी कर लेना है, एक्सटेंड कर लेना है। तो अब आपको एक ये PNG इमेज आपको कर लेनी है डाउनलोड। अगर PNG बनानी नहीं आती, वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर इंपोर्ट करोगे तो वेबसाइट से आराम से PNG बना सकते हो। एंड PNG इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा लेना है। एंड ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर की फ्रेमिंग करनी है, जैसे कि मैं यहाँ की फ्रेम कर रहा हूँ। एंड पहले तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगाता हूँ, फिर दूसरा मैं इधर लगा देता हूँ। एंड इसको हम जूम कर लेंगे सेकंड पे करके, एंड थोड़ा आगे जाके इधर भी की फ्रेमिंग करेंगे। एंड इसको हम छोटा कर देंगे थोड़ा सा, जो नॉर्मल साइज है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, अपना इफ़ेक्ट देना है। तो इफ़ेक्ट में जाएंगे, बॉडी इफेक्ट में देना है आपको। एंड यहाँ पर ये दो इफेक्ट देख लेना, इलेक्ट्रो जो भी है, ये इफेक्ट आपको पहला दे देना है। एंड यहाँ पर आप ये एडजस्ट कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से कर ले रखा है इधर पे। तो अब आपको दूसरा वाला इफेक्ट देना है, ये वाला है स्टीमर स्ट्रोक का, तो इसको दे देंगे। एंड आपका जो रील है वह लगभग कंप्लीट हो ही गया है। एंड यहाँ एडजस्ट कर सकते हो अपनी सेटिंग्स, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नहीं तो एक्सटेंड कर लेता हूँ अपनी वीडियो के साथ। एंड ये हो चुका है मेरा, तो देख सकते हो एक परफेक्ट रील मेरी बन चुकी है पूरी तरह से, सब इफेक्ट यहाँ पर अप्लाइड हो चुकी हैं। एंड यहाँ पर बस एक चीज़ रह रहा है, वो लाइक शेयर का बटन ऐड करने का। तो यहाँ पर मैं ये भी जल्दी से कर देता हूँ। तो ये PNG मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन डाउनलोड ले। एंड यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा रिसाइज कर लेना, एंड यहाँ लगा लेना कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन पर जाना है। एनिमेशन पर आपको एक जूम वाला इफेक्ट है, जूम इन करके उसको देना है। तो यहाँ पर एक बार लोड हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया। ये वाला जो है कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये है, ये दे देना है। और यहाँ स्पीड को आपको थोड़ा कम कर देना है, 0.22 या फिर 3 रख लेना। सो आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है, बस एडजस्ट कर लेना थोड़ा ठीक से, पॉइंट टाइमिंग वगैरह देख लेना, सही जगह लगाओगे तो ये मस्त रील बनती है। एंड आपका रील हो गया है रेडी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक बता देना, नेक्स्ट रील का भी कोई आता है टॉपिक तो बता देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।